तो डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पास आती जा रही है कि टीवी स्पॉट पे टीवी स्पॉट आते चले जा रहे हैं। अब ये टीवी स्पॉट कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन काफी सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दे रहे हैं। और कल की डेट में एक और टीवी स्पॉट आया जो कि बाकी टीवी स्पॉट के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था, और ये मोस्टली वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज पे ज्यादा फोकस्ड था। मतलब ये ससुरे में विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वांडा ही विलेन है। अब इस टीवी स्पॉट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा एक दूसरे के डायलॉग्स को क्रॉस कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज का कहना है कि जब भी वो सोता है तो उसे रेगुलरली या कुछ बुरा होने वाला है ऐसा नाइटमेयर आता है, और उसकी आंखें खुलती हैं रियलिटी में। वहीं वांडा बोलती है कि उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ है, और बेसिकली जो गाना पीछे बजता है ड्रीम, उसके लिरिक्स भी लिटरली यही बोलते हैं कि तुम्हें अपने आर्म्स में लेने के लिए मुझे जो करना है वो है ड्रीम। तो वांडा अपने बच्चों को हक करती है, फिर वांडा जागती है रियलिटी में, और स्ट्रेंज से डिफरेंट उसकी ये रियलिटी नाइटमेयर है क्योंकि उसके बच्चे यहाँ पे है नहीं। अब जब वो नाइटमेयर वर्ड बोलती है तो उसका रशियन एक्सेंट बीच में आता है, नाइटमेयर। अब इतने टाइम तक उसे अमेरिकन एक्सेंट में देखने के बाद ये कुछ तो डिफरेंट था, लाइक वो नाइटमेयर वर्ड पे फोकस डालना चाहते थे। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाइटमेयर आएगा, पर मैं उसके लिए मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ओरिजिनल प्लान उसी का था ये मल्टीवर्स के लफड़े से पहले जब डायरेक्टर चेंज नहीं हुआ था। अब दोनों कैरेक्टर्स के सपने मल्टीवर्स की किसी और रियलिटी से कनेक्ट होते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं बोल सकता, पर इतना जरूर है कि वांडा इन्हीं ड्रीम्स की वजह से मल्टीवर्स में उस यूनिवर्स को ढूंढना चाहती है जहां पे उसके बच्चे जिंदा हैं। अब इसमें स्ट्रेंज की हथकड़ियां टूटी हुई थी जो मॉर्डो ने तोड़ी थी, और वो एक ग्लास सेल में था, सेम वैसी सेल में जहां पे अमेरिका सेवेज भी थी, और साइड में अल्ट्रॉन बॉट्स भी हैं। तो बेसिकली ये वही सीन है जहां वो दोनों इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स में हैं और वांडा वहीं अटैक करती है, और अल्ट्रॉन बॉट्स को देख के कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ सुपीरियर आयरन मैन है मूवी में, और कोई छोटा मोटा कैमियो नहीं है उसका, या फिर ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मार्वल वालों के बच्चे। और भैंस की आंख इस टीवी स्पॉट में सिनिस्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख दिखने के बाद लग रहा है कि कुछ तो बवाल होगा। अब थर्ड आई के मार्वल में कई वर्जन्स हैं, जैसे हॉरस की थर्ड आई जो शैडो क्रिएचर्स को देखने में हेल्प करती है जो भी स्ट्रेंज के पोजीशन में थी, पर वो एक आर्टिफैक्ट था और ये एक्चुअल में स्ट्रेंज की पावर से रिलेटेड केस है। और अगर तुमको याद हो तो फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एंशिएंट वन जिस स्पॉट पे ये थर्ड आई है वहाँ हाथ रखकर बोलती है ओपन योर आई, पर उस थर्ड आई को अनलॉक करने के लिए जितनी पावर्स लगी होगी वो डार्क डायमेंशन से भी लेनी होगी जैसा एंशिएंट वन करती थी, और इतनी ज्यादा पावर स्ट्रेंज को करप्ट कर सकती है जैसा व्हाट इफ में हुआ था। और स्ट्रेंज चाचा की ये तीसरी आंख हम व्हाट इफ के एपिसोड्स में भी देख चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज का मामला यही है, पर वो हेल्पर होगा या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा इस टीवी स्पॉट में वांडा जहाँ पे बिली और टॉमी को अपने पास महसूस करती है ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे वो डार्क होल्ड को समन कर रही थी। और इस सब के अलावा टीवी स्पॉट के इस वाले पार्ट में हम एक बुक को रखा देख सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली द बुक ऑफ विशांति है। और अगर आपने हमारा रोल ऑफ टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बुक ऑफ विशांति का क्या काम हो सकता है मूवी में। ये बुक शायद मूवी में जितना भी भांग बटूरा हुआ होगा उन सबको रिवर्स करने के काम आएगी, या फिर इसी बुक की हेल्प से कैथॉन को वापस से ट्रैप किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसी बुक को प्रोटेक्ट करते हुए टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन की डेथ हो जाएगी या फिर वो इंजर्ड हो जाएगा वांडा के हाथों। अब 2 घंटे 6 मिनट की इस भसड़ में इतनी सारी चीजों को वो कैसे हैंडल करेंगे ये तो मूवी ही बताएगी। वैसे अभी मूवी आने में पूरे 1 महीने बाकी है तो काफी सारे टीवी स्पॉट भी आएंगे, तो उनमें जो भी डिटेलिंग होगी हम आपको जरूर बताएंगे अगर आप चाहो तो। इसी के साथ ही हमारे बचपन के टॉप 5 मैच्योर्ड कार्टून के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और बेन 10 शो किन कारणों की वजह से एक फेलियर बन के रह गया ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू।